हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के मंडियों में सोयाबीन का भाव क्या है दोस्तों 22 जनवरी 2020 को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि कौन सी मंडी में क्या भाव है क्या नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँचे और इस जानकारी का हमारे किसान भाइयों भी लाभ उठा सकें। और दोस्तों, एक और बात आप लोग को बता दूं कि 1 फरवरी को लॉन्च होगा मेरा वेबसाइट, वहाँ पर भी बहुत सी जानकारी अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी मार्केट में क्या भाव है। तो लासनगांव मंडी की बात करें तो 2800 से लेकर दोस्तों 4300 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 45 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा तड़कलस मंडी की, तो तड़कलस मंडी में 3000 से लेकर 4100 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 30 टन की रही है। मैं नेक्स्ट में बात करूँगा अरनी मंडी की, तो अरनी मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर 4250 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 26 टन की देखने को रही है। अहमदनगर मंडी की बात करूँ तो अहमदनगर मंडी में 3400 से लेकर दोस्तों 4200 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 90 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा अम्बे जोगाई मंडी की, तो अम्बे जोगाई मंडी में भी 3390 रुपये से 4290 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 55 टन की रही है। और दोस्तों, नेक्स्ट में बात करेंगे लासनगांव निफाड़ मंडी में, तो 2000 से लेके 4280 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 39 टन की रही है। अमलनेर मंडी की बात करूँ तो 4000 से लेके 4352 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 26 टन की रही है। और दोस्तों, मैं बात करूँगा अमरावती मंडी में, तो अमरावती मंडी में 3200 से लेके दोस्तों 4285 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 170 टन की रही है। हौसा मंडी की बात करूँ तो 3380 रुपये से लेकर दोस्तों 4370 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 29 टन की देखने को मिली है। भोकर मंडी में बात करूँ तो भोकर मंडी में 3100 से लेकर दोस्तों 4605 रुपये का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 70 टन की रही है। मैकर मंडी में बात करूँ तो 3500 से लेकर दोस्तों 4435 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 70 टन की रही है। मुरिम मंडी की बात करें तो मुरिम मंडी में 3198 रुपये से लेकर दोस्तों 4210 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 33 टन की रही है। लातूर मंडी की बात करूँ तो 2300 से लेकर 4286 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 1100 टन की रही है। राजौरा मंडी की बात करूँ तो 3290 रुपये से लेकर 4275 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 57 टन की रही है। और जलाना मंडी की बात करूँ तो 3100 से लेकर 4225 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 100 टन की रही है। वहीं पर मैं बात करूँगा जलगांव मंडी की, तो जलगांव मंडी में 4100 से लेकर 4405 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 23 टन की रही है। जलकोट मंडी में बात करूँ तो 4050 रुपये से लेकर 4290 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 65 टन की रही है। जिंतूर मंडी की बात करें तो 3300 से लेकर दोस्तों 4100 का भाव देखने को मिले हैं। और आवक दोस्तों 18 टन देखने को मिली है। चाकुर मंडी की बात करें तो दोस्तों चाकुर मंडी में 3360 रुपये से लेकर 4215 रुपये का भाव देखने को मिले हैं। आवक दोस्तों 25 टन की रही है। चिकली मंडी की बात करें तो 3341 रुपये से लेकर 4401 रुपये का भाव देखने को मिली है। और आवक दोस्तों 88 टन की रही है। चोपड़ा मंडी की बात करूँ तो चोपड़ा मंडी में 3275 रुपये से लेकर 4320 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 15 टन की रही है। दमनगांव रेलवे मंडी की बात करूँ दोस्तों तो 2700 से लेकर 4290 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 115 टन की रही है। हिंगनघाट मंडी की बात करूँ दोस्तों 3150 रुपये से लेकर 4290 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 200 टन की रही है। वासी मंडी की बात करें तो 3200 से लेकर 4490 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 210 टन की देखने को रही है। वहीं पर मैं बात करूंगा तुलजापुर मंडी में, तो तुलजापुर मंडी में 3500 से लेकर 4209 रुपये का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 100 टन की रही है। सिंधी मंडी की बात करूँ तो सिंधी मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर 4280 का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 88 टन देखने को मिली है। धर्माबाद मंडी की बात करो तो धर्माबाद मंडी में दोस्तों 3200 से लेकर
4380 का भाव देखने को मिली है। आवक दोस्तों 54 टन की रही है। दिग्रस मंडी की बात करें तो दिग्रस मंडी में 3240 पैसे से 4375 रुपये देखने को रही है। आवक दोस्तों 65 टन रही है। ठीक है दोस्तों, मलकापुर मंडी की बात करें तो मलकापुर मंडी में 2775 रुपये से लेकर 4235 रुपये का भाव देखने को मिला है। आवक दोस्तों 50 टन देखने को मिली है। माजलगांव मंडी की बात करूँ तो दोस्तों माजलगांव मंडी में 2900 रुपये से लेकर 4190 रुपये रही है और 25 टन की आवक रही है। वहीं पर लास्ट में बात करूँ करंजा मंडी में 3350 रुपये से लेकर 4525 रुपये देखने को मिली है। आवक दोस्तों 370 टन की रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मंडियों में तेजी देखने को महाराष्ट्र मंडी में मिली है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।